राधा, विवाह एक ऐसा पवित्र बंधन है जो दो लोगों को एक जीवन के लिए बांध के रखता है, किंतु प्रेम एक ऐसी भावना है राधा, जो दो प्रेमियों को अनंत काल तक जोड़कर रखती है। विवाह में कोई बुराई नहीं है राधा, किंतु क्या इसे प्रेम के अनंत बंधन का अंग बनाना उचित होगा? तुम कहना क्या चाहते हो कृष्ण? जो प्रेम अलौकिक है राधा, उसे संसारिक बंधन में क्यों बांधना? हमें देखो, इस क्षण को देखो, अभी भी हम साथ में ही है ना? प्रेम भी यही सिखाता है राधा कि दो लोग, दो प्रेमी पूरे अस्तित्व के साथ हर क्षण एक दूसरे के संग बिताएं, बिना भविष्य की चिंता किए और इन आशाओं और आकांक्षाओं के खेल से परे होकर एक दूसरे को समझें। तो क्या हम एक दूसरे को उचित प्रकार से नहीं समझते? ये तो समय ही बताएगा ना राधा, कि हम एक दूसरे के विकार, गुण, अवगुण जानते हैं या अब भी कुछ जानना शेष है। और वैसे भी अभी तो विवाह की आयु तक नहीं हुई हमारी, है ना? विवाह की ना सही, बांसुरी सुनने की आयु तो है ना? चलो सुनाओ मुझे अपनी बांसुरी। अभी तो सुनाई थी राधे। तो मेरे लिए एक और बार नहीं बजा सकते? आठों पहर तुम्हारी ये बांसुरी की मधुर धुन सुनना चाहती हूँ कृष्ण, अपना हर समय तुम्हारे साथ व्यतीत करना चाहती हूँ। रुक क्यों गए? बजाओ ना। राधा, धुन पूर्ण हो गई। अच्छा, पहले तो दिन रात बांसुरी बजाते थे, अब कुछ पलों में धुन पूरी हो जाती है? अर्थात जो तुम तभी कह रहे थे वो झूठ था? राधे, संगीत की धुन जब प्रेम की भावना से बहती है तभी वो आनंद देती है। यदि मैं वही धुन एक हट पर बार बार बजाऊंगा तो कदाचित उसमें वो भावना नहीं रहेगी। अर्थात भावना इतनी शीघ्र बदल जाती है कृष्ण? क्या कभी मेरे प्रति तुम्हारी भावना भी बदल जाएगी? नहीं राधव, किसी भी बात की अति बुरी होती है राधा। सीधे सीधे कहो ना कि तुम्हें बांसुरी सुनाने का मन नहीं है। कृष्णा, कहाँ थे तुम? कब से तुम्हें ढूंढ रहे थे? हमारा खेल तुम्हारे कारण रुका हुआ था। चलो अब शीघ्र करो। तुम सब जाओ, मैं आता। शीघ्र आना। हाँ चलो 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 चलो। अच्छा हुआ कृष्ण तुमने उन्हें भेज दिया। चलो हम किसी ऐसे स्थान पर चलते हैं जहाँ हमें कोई ढूंढ ही ना पाए। राधा, वो मैंने उन्हें आगे इसलिए भेजा ताकि तुमसे अच्छे से विदा ले सको। वे
विदा ले सकूं, किंतु मैं तो तुम्हारे साथ समय व्यतीत करना चाहती हूँ। अच्छी बात है, तो तुम भी हमारे साथ चलो, हम सब साथ मिलकर खेलते हैं। क्रिश, मुझे किसी और के साथ नहीं खेलना, मैं तो केवल तुम्हारे साथ समय व्यतीत करना चाहती हूँ। किंतु राधा। किंतु क्या? मैं क्या करूँ? तुम क्या चाहती हो? मैं क्या करूँ? मैं रुकूं या मैं जाऊं? मैं कुछ नहीं चाहती, और वैसे भी तुम्हें मुझसे अधिक अपने मित्रों के साथ समय व्यतीत करने में रुचि है ना, तो जाओ, जाके उन्हीं के साथ खेलो, जाओ। यदि मैं अपने मित्रों के साथ जाकर खेलूंगा तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? निर्णय तुम्हारा है। ठीक है, चलो फिर अपने मित्रों के साथ जाके खेल के ही आता हूँ। आते हो राधा? ओ, ये तो सच में मुझे छोड़ के अपने मित्रों के पास चला गया। मुझे क्षमा कर दो कृष्ण। ये आप क्या कर रहे हैं बड़े भैया? वही जो कदाचित मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए। कृष्ण, राधा को प्राप्त करने के लिए मैंने ऐसे कई अनुचित कार्य किए हैं जो कदाचित मुझे करने नहीं चाहिए, किंतु अब मुझे अपनी भूल का आभास हो गया है और मैं उसे सुधारना चाहता हूँ। तुम ही तो कहते हो ना कि सुधार लाने का पहला पग होता है अपनी भूल स्वीकार करना। आप सत्य कह रहे हैं बड़े भैया, या ये भी आपका कोई नया प्रपंच है? सच ही कहते हैं लोग, यदि एक बार आपके माथे पर बुरा होने का कलंक लग जाए तो उसे सुधरने का अवसर कभी नहीं मिलता। कृष्ण, जानते हो एक योद्धा के लिए सबसे अधिक कठिन कार्य क्या होता है? अपनी हार स्वीकार करना। और आज मैं तुम्हारे समक्ष अपनी हार स्वीकार कर रहा हूं। स्वीकार करता हूं कि मैं राधा के योग्य नहीं। आज के बाद मैं राधा को प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं करूंगा। कृष्ण, मैं चाहता हूं कि अब हम एक अच्छे मित्र बन जाए, और जैसे तुम सदैव कहते हो ना, मैं वास्तव में तुम्हारा बड़ा भैया बन, क्योंकि अब तो हम में स्पर्धा का कोई भाव ही शेष नहीं रहा। यदि मैंने आपकी मित्रता स्वीकार कर ली तो आपको क्षमा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मित्रता में क्षमा के लिए कोई स्थान नहीं है बड़े भैया। धन्यवाद कृष्ण। मित्रता में धन्यवाद के लिए भी कोई स्थान नहीं। अब चलिए खेलने जाते हैं। उचित है।